आज हमारे सैला के धरोधर में मैं हमारे नए SDM साहब ताराचंद जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वो पहले भी यहाँ पर तहसीलदार की पोस्ट पर रह चुके हैं और अब यहाँ पर प्रमोशन होकर SDM बनकर आए हैं। मुझे आशा है कि आपके आने से यहाँ पर चार-चार लग जाएगी। इस साल का आज़ादी का महोत्सव अपने आप में ही एक खास बात है। आज से ठीक एक माह पूर्व यानी 14 जुलाई 2023 को इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। आज़ादी का ये सफर इतना आसान नहीं था, इसके पीछे बहुत सारे बलिदानों की यादें छुपी हैं। उन सभी शूरवीर योद्धाओं को मैं नमन करती हूँ जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। भारत देश का जन्म बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा है। 150 से 200 साल गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ ये देश आज़ाद हुआ। आखिरकार ब्रिटिश संक्रमण से हमें आज़ादी मिली और एक शंखनाद हुआ नए सफर का। स्वतंत्र देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस रात संविधान सभा में एक भाषण दिया था जो इस तारीख में ऐतिहासिक भाषण बन चुका है, फेस्ड विद डेस्टिनी, जिसमें वो कहते हैं, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द होल वर्ल्ड विल स्लीप इंडिया विल अवेक एंड न्यू राइज विद द फ्रीडम। इसका अर्थ है आज रात जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब एक नए भारत का निर्माण होगा, एक नए देश का नया सफर शुरू होगा। उस वक्त हमारा भारत देश आज़ाद हुआ और आज हम आज़ाद हैं क्योंकि उस समय अंग्रेजों से हम सभी ने मिलजुल कर देश से लड़ाई की थी। तो उसी तरह मेरी आप सभी से आशा है कि हम सभी भी एकजुट होकर मिलकर अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं और हर विकारों का सामना एकजुट होकर करें ताकि हमारा भारत देश नए आसमानों की बुलंदियां छू सके। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम।